वेवलेंथ ऑफ लाइट इन दिस मीडियम इज लेमडा वन। शुरुआत में यहां पर जब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एन वन था तब लाइट का वेवलेंथ लेमडा वन था। अ ट्रांसपेरेंट स्लेब ऑफ थिकनेस टी एंड रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एन थ्री, एक स्लेब ली हमने थिकनेस टी और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एन थ्री की, थिकनेस यहां पर दी हुई है हमें टी, इज पुट इन फ्रंट ऑफ स्लिट वन, स्लिट एस वन के सामने हमने इसको यहां पर लेट से इन दोनों स्लिट्स का नाम हमने S1 और S2 डाल दिया है। द मीडियम बिटवीन द स्क्रीन एंड प्लेन ऑफ द स्लिट्स इज N2। स्क्रीन और स्लिट्स के बीच का जो मीडियम हमें बोला गया है वो यहाँ पर N2 है। द फेज डिफरेंस बिटवीन द लाइट वेव रीचिंग पॉइंट O इज, हमें O पॉइंट पर जो लाइट वेव पहुंच रही है का फेज डिफरेंस चाहिए। अच्छा, अगर हमें यहाँ पर फेज डिफरेंस चाहिए तो हमें चुपचाप से यहाँ पर पहले तो पार्ट डिफरेंस लिख लेना चाहिए। अगर हम लोग पार्ट डिफरेंस लिखें तो हम लोग लिखेंगे कि जो S1 से लाइट चली वो तो O तक चलने में जो तो पार्ट ट्रेवल करना पड़ा वो हुआ S1 O माइनस T इंटू N2 प्लस N3 के अंदर चली कितनी T इंटू N3। बढ़िया, ये तो पाथ S1 वाले को चलना पड़ा। और अगर हम बात करें S2 वाले की, S2 वाले को जो चलना पड़ा पाथ वो हुआ कितना S2O इनटू N2। अब अगर हम लोग इसको शॉर्ट आउट करें, इसको सोल्व करें तो हम लिखेंगे S1O इनटू N2 प्लस T इनटू N3 माइनस N1 N2 माइनस S2O इनटू N2। अब सिमेट्रिकली हमें दिखता है कि अगर यहाँ मीडियम वगैरह नहीं होते और तो ये बिल्कुल मिडिल पॉइंट है, तो बेसिकली एस वन ओ दूरी और एस टू ओ दूरी यहाँ पर सिमेट्रिकली इक्वल है। तो एस वन ओ और एस टू ओ अगर इक्वल हो जाएंगी तो ये दोनों टर्म्स यहाँ पर कैंसिल आउट हो जानी चाहिए। तो हमारा जो पार्ट डिफरेंस हमें मिलना चाहिए वो पार्ट डिफरेंस मिलना चाहिए टी इंटू एन थ्री माइनस एन टू। तो अगर हम यहाँ पर फेज डिफरेंस लिखें तो फेज डिफरेंस डायरेक्ट लिखा जाएगा 2 पाई बाय, जब लाइट आ रही है किसी मीडियम n1 से तो n1 लैम्डा 1, यहां पर इसकी वेवलेंथ लैम्डा 1 थी, इनटू डेल्टा x। तो लिखा जाएगा 2 पाई बाय n1 लैम्डा 1 इनटू t इनटू n3 माइनस n2, हम डेल्टा x का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा सही आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर ए।